आज ऑफिस में जो है पूजा भी है धनतेरस की, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी बची है बस, बाकी सारा तो हो ही गया है। एंड वी विल ऑल्सो बी गोइंग आउट टू बाय सम थिंग्स एज वेल, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर, जो आपको देखने मिलेगा इस व्लॉग में ही। एंड अभी जो है थोड़ा बहुत मिठाइयाँ लानी है, वो लेके आते हैं। We are pretty much ready now. इनको बोला था मैं। Looks like दूसरी बार जाके उसने सेम एरिया को टेस्ट किया है, अगर आप देखो तो इस कैंडल ने। बस इफ यू ब्रेक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, वी माइट सी अ गुड अप मूव हैपनिंग, और एल्स यहाँ पर एक डबल टॉप बन जाएगा अगर ये नीचे वाला आपका व्हाट डू यू कॉल इट प्रीवियस स्विंग टूट जाता है, तो क्योंकि एक काइंड ऑफ स्विंग उसने बना दिया है। देखते हैं वॉट एवर हैपन्स हैपन्स, क्योंकि वी कांट टेक दिस आउट, मार्केट जाना है सामान लेके, कैसे आऊँगा मैं। वी टेकिंग आउट दिस पर्टिकुलर वन विच इज़ माई वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैड बीन गिफ्टेड बाय माई फादर, और फिर इसको हमको धुलवाना भी है। तो पहले सामान लेके आते हैं, सामान रखते हैं घर पर, फिर इस चीज़ को धुलवाने ले जाते हैं। गॉट सम न्यू ग्लासेस फॉर माई सेल्फ ऑल द वे फ्रॉम फास्ट ट्रैक एंड कंपनी, वो तनुज के लिए गिफ्ट ले रहे थे, तो बॉट इट फॉर माई सेल्फ एज वेल। हाउ डू दे लुक यू नो, एंड आई लुक एग्जैक्टली लाइक आई वॉज इन 12th, 12वीं में जैसा मैं था ना, मैं अभी वैसा ही लग रहा हूँ, बस बाल थोड़े छोटे हैं एंड कम हो गए, मुँह भी थोड़ा सा फुल गया है, पहले बिल्कुल ऐसा था मैं, बिकॉज आई वॉज 55 बैक देन एंड नाउ आई एम 80। इन दिस ट्रेड वी हैव अराउंड 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट रनिंग, लेकिन ये प्रीमियम जब तक 150 पॉइंट्स हमको हमारे फेवर में नहीं देता है, तब तक मैं CTC नहीं लगाने वाला हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट्स का CTC इतना जल्दी नहीं लगाना चाहिए, अगर 15-20 मिनट 30 मिनट और यहीं पर स्पेंड हो जाते हैं फिर मैं CTC लगा सकता हूँ। तो अभी तक तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 350 पे टाइट एंड इंटैक्ट लगा हुआ है, एंड एक्सपेक्टिंग द मूव एनी टाइम सून नाउ। कि प्राइस एक्शन तो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि इट माइट ब्रेक आउट, प्राइस एक्शन काफ़ी वैसा बन रहा है, तो लेट्स सी। एक 15 मिनट्स की कैंडल अगर मैं आपको बताऊँ तो इट्स गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ होप, राइट, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, बहुत अच्छी क्लोजिंग उसने अभी जस्ट दी हुई है एट अ रेजिस्टेंस, विच मीन्स इट माइट जस्ट कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। मिठाई वगैरह ले ली है हमने एंड हमारा जो ट्रेड है वो आ चुका है, 540 का उसने हाई लगा दिया है। दैट इज़ द रीज़न बींग हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को CTC ट्रेल कर लिया है, तो 390 पे लिया था, 390 पे उसको ट्रेल कर लिया, अब कोई भी रिस्क नहीं है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, बट 150 पॉइंट फेवर में आने के बाद CTC लगाया मैंने, तो इससे ज़्यादा स्पेस मैं और नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि 300 पॉइंट फेवर में आए फिर CTC लगाऊँ, लोग तो 10-10 पॉइंट लेके बाहर हो जाता है राइट, और मैं 150 के बाद भी CTC लगा रहा हूँ, दैट नीड्स गट्स है ना, उसके लिए भी गट्स सही है। तो हाँ जी, वेट कर रहे हैं एंड जस्ट गॉट डन विद दिस, अब थोड़े गन्ने वगैरह लेते हैं। Alright, so we're back home guys, गन्ने वगैरह हम लेकर नहीं आए, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ से ले जाना वो भी गाड़ी में डाल के वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल फॉर अस, तो वी डिसाइडेड कि मैं ऑफिस में बोल देता हूँ उनको कि आसपास से कहीं से गन्ने ले आए, एंड यहाँ पर हम बाकी सारा सामान ले आया हूँ। मम्मी पापा कल काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर रहे थे, और अभी वी आर गोइंग आउट टू बाय समथिंग फॉर माई मदर ऑन दिस धनतेरस, सो लेट्स गो आउट। ऑलराइट गाइस, सो आवर न्यू व्लॉग इज जस्ट लाइव, एंड शो अस सम लव इन द कमेंट्स, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वी लाइक दैट एज वेल। एंड निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई साहब वहीं पे रिजेक्शन फेस करता हुआ रहा है, दिखाई दे रहा है अभी तो हमें। ट्रेड का बात करें तो ट्रेड का भी कुछ नहीं हो रहा है, अराउंड 100 पॉइंट्स हमारे फेवर में चल रहा है। मार्केट ने जो है हाई लगा दिया था ऑलमोस्ट, ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी ना, ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो कैंडल थी एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट ने जो है, हमारे ऑप्शन ने जो है हाई लगा दिया था 540 के आसपास का, अगर आप देखो तो वो हाई लगा के आया हुआ था, एग्जैक्टली वहीं जाके हमने हमारा जो ऑर्डर है CTC का, उसको मतलब स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर था उसको हमने CTC ट्रेल कर लिया, विच इज़ 390 पे डाल दिया। अब जो है ना नुकसान होगा, सिर्फ हमको हेज के थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, कि यहाँ से अब हम वेट करने वाले हैं फॉर द मोमेंटम टू हैपन, क्योंकि अभी इस चीज़ को आपने ब्रेकआउट कर दिया है बैंक निफ्टी ने, राइट, इस चीज़ को ब्रेकआउट कर दिया है बैंक निफ्टी ने, इसके बाद बैंक निफ्टी के पास और कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा एक हॉल्ट था, लेकिन एक वेरी गुड रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो यहाँ पर है, विच इज़ 52,200। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही दिन में मूव आ जाएगा, आज अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जितना भी बने हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ राइट नाउ प्रीमियम इज ट्रेडिंग एट 520 के आसपास। अब हम वापस बाहर जा रहे हैं टू डू सम शॉपिंग,
ज्वेलरी शॉपिंग, थोड़ी सी ज्यादा नहीं कर पाएंगे इस बार, थोड़ी सी कर रहा है। इज द ट्रेड हैज मूव्ड प्रीटी मच इन आवर फेवर, 560 का हाई लगा दिया है उसने, हाई तो उसने और भी कुछ लगाया 571 का, एंड दिस हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ राइट नाउ। गाड़ी पार्क कर दी है हमने यहाँ पे एंड वी हैव टू डू दैट। थोड़ी सी दिक्कत हमको रह गई है वो ये है कि गाड़ी धुलवा नहीं पाया मैं, टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी ये सब करके लंच करके पहले गाड़ी धुलवाऊंगा एंड देन विल गो टू ऑफिस। आई हैव जस्ट हिट माई टारगेट एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज एडिट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर और यहाँ पर जाके एग्जिट राइट एट कन्फर्म एंड राइट एट मार्केट वी हैव टेकन अ एग्जिट एंड ऑन धनतेरस डे इटसेल्फ वी हैव बुक्ड 1,39,000 रुपीज बाय ऑप्शन बाइंग एंड ऑलमोस्ट हमारा जो इसमें रिस्क था वो 16,000 रुपए का था और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड हमने बुक किया है इट इज वेरी वेरी गुड। 1,40,000 रुपए 1:8, 1:9 हम लेकर निकले हैं ट्रेडर्स, दैट इज वॉट वी हैव डन फॉर दिस पर्टिकुलर डे एंड 1,40,000 रुपए हाउ मच वी हैव बुक्ड। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट भी बता देता हूँ बैंक निफ्टी का। देखो हमारा जो टारगेट था उसको ऑलमोस्ट उसने हिट कर दिया है एंड वैसे ऑनेस्टली आई एम अ वेरी पेशेंट गाय बट द मोमेंट इट हिट्स माय टारगेट आई एम अ वेरी इंपेशेंट एट बुकिंग माय ट्रेड्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। मैंने लिटरली फोन निकाला अपना कैमरा चालू किया एंड फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज बुक ऑफ माय ट्रेड लाइक एनीथिंग मार्केट पे एग्जिट ले लिया। उसके बाद 100 रुपये ऊपर चला जाए 1,000 रुपये ऊपर चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, व्हाटएवर इट माइट डू फॉर द एंटायर डे मेरे को 1:8 मिल गया है, आई एम आउट फॉर द डे एंड आई एम डन फॉर द डे। ऑल्सो वी आर डन विद द शॉपिंग एज वेल, तो जो हमने खर्चा नहीं उससे थोड़ा ज़्यादा हम लेकर आ चुके हैं। तो हाँ जी थोड़ा लंच वगैरह कर लेते हैं, मेरी गाड़ी मुझे वहाँ लगानी पड़ी, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, यहाँ कोई और अपनी गाड़ी लगा के चला गया व्हेन वी वर नॉट हेयर एंड अब लंच वगैरह करते हैं और फिर सीधे तैयार होकर ऑफिस निकलते हैं। और आई गेस सो वी आर प्रीटी मच रेडी नाउ, निकालते हैं गाड़ी और पहुँचते हैं ऑफिस क्योंकि पूजा है एंड 4 बजे है, इट इज़ 3:30 right now, 3:35 right now, तो निकलते हैं। और राइट सो देयर इज अनदर थिंग विच इज़ अगर अब हमारे ट्रेड को हमने होल्ड किया होता 3 बजे तक तो इट वुड हैव बीन ईजीली समवेयर अराउंड 50-60,000 रुपीज मोर क्योंकि प्रीमियम ने 900 रुपये का हाई लगाया था, हम 722 पे निकल चुके थे। लेकिन अच्छा कुछ लोगों को लगेगा भी कि यार लेके निकल गया वेट कर लेता ये सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहली तो बात यह है कि अगर इतना दम है आप में तो होल्ड करके दिखा दो है ना, 300 रुपये पे एक प्रीमियम को खरीदो, 700 रुपये तक उसे होल्ड करके दिखा दो, योर मनी हैज़ बीन डबल्ड इन सिंगल ट्रेड, आप उस चीज़ को करके दिखाओ, दैट विल बी अ गुड थिंग एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ यू आर एबल टू डू इट। एंड अनदर थिंग इज़ कि मेरा टारगेट जैसे ही मेरे को दिख गया आई वॉज आउट, उसके बाद कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक मेरा टारगेट नहीं आता है मैं मेरे ट्रेड्स को होल्ड करूँगा, जब जैसे ही टारगेट आता है आई हैव टू बी आउट। भाई साहब आज तो बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है हमको, लिटरली ऐसे पेड़ में कहीं पर घुसानी पड़ी है, एवरीथिंग इज़ पार्क एंड जाम। मैं बता रहा हूँ आपको जिस ऑफिस के सामने वाला सिग्नल है ना यहाँ पे लिटरली 3 बार से पास आउट हुआ, मैं 3 बार लगा मुझे, मतलब 3 बार सिग्नल खुला तब कहीं जाके वहाँ से घूम कर वापस आया। बट इट्स टाइम फॉर अस टू हैव पूजा। हेलो हाय, यू लुक ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? गुड, नाइस, व्हाट आर वी डूइंग टुडे? आज से धीरज की पूजा है तो पूजा स्टार्ट हो चुकी है, हम थोड़ी लेट हैं, बेसिकली मैंने लोगों का वेट कर रही थी। ओके, क्योंकि जिसके लिए पूजा हो रही है उनके लिए तो वेट करना ही पड़ता है। ओके, 3 स्टॉक्स के 3 पिलर्स, यस, अकेले नहीं बैठ सकते, यस, आई वाज वेटिंग फॉर देम, लेट्स गो, यस लेट्स गो। ऑल्सो यहाँ पर भी लाइटिंग लग रही है ऑफिस के बाहर भी, तो ऑल ऑफ दिस इज़ गोना लेट अप, तो शाम होते ही यहाँ पर भी मतलब रहेगा, ये अगले 15 दिन रहेगा, इज गोइंग टू बी हियर। यही एक दोनों हैं जो तैयार होके नहीं आए हैं, इनको पता था तो भी दोनों तैयार होके नहीं आए हैं। हाँ, नो यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू थिंक यू आर लुकिंग गुड।
ऑलराइट गाइस, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, अभी सारी लाइट्स चालू नहीं हुई हैं, बट दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल जस्ट लाइक अस। हेलो, आर वी डन विद द पूजा? ये जो रेडी नहीं हुए वो कैमरे से भाग रहे हैं। हां, वी कांट डू एनीथिंग, इट्स योर मिस्टेक। कांट डू एनीथिंग। हां जी, तो ये हो रहा है हमारे ऑफिस पे ऊपर बाहर दिवाली का। हाउ डज इट लुक? वेरी गुड, वेरी गुड। इतना कि बोला नहीं जा रहा है। योर लैक ऑफ वर्ड्स, इट इज ऑलराइट। तो हमारी पूजा भी हो गई है। हेलो, हाउ आर यू? कुर्ता नहीं पहना जा रहा है, वो चमकीले कुर्ते नहीं पहने जा रहे इनको। हाँ, जो इंडिया का टॉप कुर्ता है। हाँ, वो पहनते हैं। हाँ, नहीं इनको बोला था मैंने तैयार हो के आने को। ऐसे लोग हैं। हाँ, देखो ऐसे लग रहा है आज दिवाली हमें अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं बेटा, ट्रेडिशनल में तो मेरी हाथ हो गई। हाँ, आई आल्सो लुक गुड। मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा बट अच्छा दिख रहा हूँ। हेलो, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, ओके, थैंक यू। हेलो, हाउ डू यू डू? नाइस। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द एंटायर इंदौर लुक्स लाइक, है ना। अभी दिवाली है तो ऑफ कोर्स हर जगह जगमग जगमग हो रखा है। यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे छप्पन भी है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर आप इंदौर से हो तो हमारा ऑफिस कहाँ है। दैट इज़ शेखर सेंट्रल एंड दिस इज़ इंद्रप्रस्थ टावर। यहीं पर TI भी है। सो दिस व्हाट आवर ऑफिस टेरेस लुक्स लाइक। एंड अभी जो है ये ऐसा कुछ दिखेगा हमारा ऊपर का भी। यहाँ की सारी चालू हो चुकी हैं, यहाँ की थोड़ी थोड़ी बची हैं। अभी मैं ऊपर इसलिए आया हूँ ताकि यहाँ पर आके देखना था बेसिकली मेरे को कि पटाखे कहाँ थोड़े से फोड़ सकते हैं अपन। थोड़े स्काई शॉट्स लाए और कुछ भी नहीं है, बॉम्ब वगैरह कुछ भी नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ा सा लक्ष्मी माता का आगमन के लिए थोड़े से ही हैं, स्काई शॉट्स हैं तो वो लगाते हैं सबसे पहले। तो लेकिन सबसे पहले बुलाना पड़ेगा मेरे को सबको। गाइस, चलो चलो पटाखे ऊपर देखा है मैं। लेट्स गो, लेट्स गो। ये This better be good. Yay, nice. Bro, the office looks amazing from here. क्या लग रही है, मतलब lightings क्या लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि इसको permanently लगवा देते हैं। And now we are going out because a friend of mine is buying a Harley Davidson today. एक बहुत ही अच्छी bike ले रहा है वो। So congratulations to him. But वहाँ पे vlog नहीं कर पाएंगे हम लोग। So thank you so much for watching this video till here and make sure you subscribe to our YouTube channel because that is important and I'll see you in the next video.